नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथमेटिक्स 2023 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन का 200 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें आपसे कॉस माइनस 1710 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, कॉस माइनस थीटा भी रहे वो आपका सीधा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। माइनस आप थीटा में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कंसेप्ट हो गया, इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए, माइनस 1710 को आप कैसे लिख सकते हैं? पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 10 पाई का मान क्या हो जाएगा? 1800 डिग्री। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉस इतना जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे कॉस 10 पाई माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो निगेटिव लगा हुआ है तो बाहर में चलिए निगेटिव भी लगा देते हैं, लग गया। अब देखिए, अब कॉस किसी भी 100, ये जो है ना, ये आपका मान लीजिए नंबर लाइन है, इस पे एक बार हम लोग गए तो पाई हो गया, दूसरा बार गए 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, मतलब जो हमारा 18वां पाई जो होगा हम लोग चलेंगे तो इसी लाइन पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे ही आएंगे और यहाँ पे आएंगे। अब उसमें से 90 डिग्री बैक आ जाइए, यानी कि इस लाइन पे वाई एक्सिस पे हम लोग चले आएँ, माइनस 90 डिग्री बैक आए, यानी कि माइनस थीटा इधर हो गया। तो वाई एक्सिस पे, ये आपका वाई एक्सिस पे आप साइन 90 लिखिए, कॉस 90 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से आप बैक आए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस 90 डिग्री। अब वही बात है कि निगेटिव रहे थीटा या पॉजिटिव रहे कॉस, तो पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस 90, वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए कॉस 90 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका सलूशन भी यहाँ पे बतलाया गया होगा, वही चीज़ बताया गया है जो मैं आपको अच्छा से यहाँ पे ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज ऑलवेज। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स यही होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो बराबर में 0 हो। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स का ही रूल है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स एक्स के पावर एन क्या होगा? मैं आपके लिए बना के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 3 आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि जो पावर है उससे एक अधिक हमारा टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। पावर 3 था तो 4 टर्म आए, वो आपके सामने है, देख लीजिए। पावर 2 था तो 3 टर्म आए, और तीनों टर्म आपके सामने है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। इसीलिए अगर n पावर हो तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 बार होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन ए प्लस एक्स का पावर एन का नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन प्लस एन हो जाएंगे। क्यों होंगे वो मैंने एक और वीडियो 2021 का शायद मैंने सॉल्व किया हूँ, उसमें मैंने बताया हूँ। और एक फार्मूला भी होता है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी का पावर एन हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो होने वाली है, ठीक है। इस वाले टर्म में n प्लस 1 मत डाल दीजिएगा, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू n प्लस 1। फोर्थ नंबर में देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दो वेरिएबल हो
और उसका पावर हॉल पावर एन हो तो एन प्लस वन, थ्री वेरिएबल हो तो बदल जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन है परिमेय संख्या या फलन, यानी कि पी एक्स बटे क्यू एक्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर ये फंक्शन इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि अनुचित भिन्न हो, तो इसका जो रिलेशन क्या होगा। तो इम्प्रॉपर फंक्शन ये होता है साथियों कि ऊपर का पावर अधिक और नीचे का पावर कम, ये आपका इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जांपल हो गया। या फिर ऊपर का पावर जितना होगा उतना ही नीचे का पावर होगा, ये भी आपका इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया। हाँ, लेकिन आप बोल दीजिए कि ऊपर का पावर एक्स ही रहे और नीचे एक्स का पावर फाइव रहा, तो ये आपका इम्प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ। डिनोमिनेटर यानी कि अंश हर में आपका हर का पावर अगर ज़्यादा हो गया तो आपका इम्प्रॉपर फंक्शन नहीं हो गया, वो आपका प्रॉपर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा है, नीचे ज़्यादा पावर हो तो प्रॉपर, और ऊपर ज़्यादा पावर हो या फिर बराबर ही हो दोनों तरफ का पावर, तो आपका इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फंक्शन का ही तो प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन निकाला जाता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन किसी का भी निकाला जा सकता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग तभी निकालते हैं जब नीचे वाला पावर कुछ अधिक हो ऊपर वाला कम हो, ठीक है, और वो एक अच्छा सा क्वेश्चन बन पाता है। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फंक्शन का निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली कट के यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कटा हुआ रहेगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका साथ ना निकाला जाए इम्प्रॉपर फंक्शन का। ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका ऑप्शन है क्यू एक्स जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी एक्स होगा। तो इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जाम्पल ये दिया मैंने, यहाँ पर देखिए पी एक्स जो है जो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू होगा किसके, क्यू एक्स के। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बस क्यू एक्स को मैंने इधर लिखा, वहाँ पे इसने इधर लिख दिया। फोर का भी हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, दो पॉइंट है, डिस्टेंस पाँच है, यहाँ पे एक पॉइंट का एक्स वाला जो वैल्यू क्या होगा उसे बताना है। तो मान लीजिए दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम दो और माइनस दो ले लेते हैं, एक पॉइंट हम माइनस एक और एक्स ले लेते हैं, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो आपका पाँच यूनिट दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स टू इसको मान लीजिए माइनस वन और एक्स वन जो है वो टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू का होल स्क्वायर, और इधर पाँच का स्क्वायर कीजिएगा तो ये पच्चीस हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई टू क्या है, वाई टू आपका एक्स है, और y1 क्या है, तो y1 आपका माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू यानी कि प्लस टू हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, x2 तो x2 को माइनस वन लिख दिए, और एक्स वन तो टू है, नहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, और यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस
4 बराबर 25। तो ये आप देखिए 9 इधर गया तो 13 घटा 25 में से तो कितना बचा 12, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका बचा 12, तो यहाँ पे हो गया 12। इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार से था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 6 रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 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 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया x प्लस 6 और फिर x माइनस टू बराबर 0, एक्स बराबर 2 आ गया और एक्स बराबर माइनस 6 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगर मैं गलत ना हूँ तो। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल एक्स बराबर 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अब छठे नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर आपसे पूछा गया है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या होगा। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 क्या होगा। तो एक क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समझना होगा n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एंड डेट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया इसका मतलब। इसी प्रकार से मैं आपको कहूँ 5 फैक्टोरियल दिया गया है तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गुने 1। ठीक है, 1 तक चले आना है और यहाँ पे नीचे दिया है 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 1। ठीक है, 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले आना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए आपका ऊपर जो मैंने लिखा उसे लिख दीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, इस 2 से ही 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 बचा, जो कि हमारा आएगा 20 गुने 3 यानी कि 60 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 60। तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं। ठीक है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन था उसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए में था 2, तो ऑप्शन नंबर ए में जो 2 था वो उसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने चौथा नंबर क्वेश्चन जो थे वो हमारा बी हो गया। चलिए अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा पूछा गया है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन इंटू एन, देन ए बी का पावर टी किसके बराबर होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो ए वो एन इंटू एन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन था,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता चल गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन संभव है, या फिर जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, उसका भी मल्टीप्लाई संभव है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो बोला गया है कि ए और बी का पावर टी कर दिया जाए तो यह किसके बराबर होगा। तो ए आपका बी के पावर, बी इंटू ए का पावर टी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, आप याद रख लीजिए। एक और मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर जिस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, संभव है मतलब जिसका नंबर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रोज के। तो मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी का पावर अगर टी कर दे तो इसका आपको राइट आंसर पूछे तो आप इसके सी वाले को पहले लिख देंगे सी टी, उसके बाद बी का पावर टी, उसके बाद ए का पावर टी, मतलब कि अपोजिट तरफ से चलना है और उसका पावर लगा देना है। ये आपके इसका मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा, उस पर पावर टी कीजिएगा, और यहाँ पे सिंगल सिंगल मैट्रिक्स पर पावर टी करके उल्टा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो 7 का बी हो जाएगा बी का पावर टी ए का पावर टी, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज वेरीज। तो साइन एक्स का वैल्यू जो होता है आप सभी को पता ही है कि ये जो नंबर सिस्टम पे अगर हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकाले तो वो आपका 1 से 1 के बीच में ही होता है, 1 से -1 के बीच में ही इसका वैल्यू लाइज करता है, -1 से 1 के बीच में ही। तो इससे ये पता चला कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। देखिए साइन 90 बराबर 1, साइन -90 बराबर -1, इससे बड़ा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। कोई भी साइन थीटा बताइए जिसका वैल्यू 2 हो, संभव ही नहीं है, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, चाहे 0.003 क्यों ले लीजिए, चाहे 0 क्यों ले लीजिए, बट इससे ऊपर न इससे अधिक होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 8वें नंबर क्वेश्चन में कि जो साइन एक्स का द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गयो, ऑप्शन नंबर ए हो गयो, और क्या था -1 से 1। अब हम लोग 9वां नंबर पे चलेंगे, ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कॉस थीटा बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कॉस थीटा 0 दे दिया गया है, कॉस थीटा 0 है तो थीटा का मान क्या होगा, एंगल आपको बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, और आप समझने के लिए समझिए कि यहाँ से यहाँ जो डिग्री होगा 90 डिग्री होगा यानी π/2 होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिग्री होगा वो पाई होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और π + π/2 बढ़िएगा, यहाँ पे आइएगा तो ये आपका 3π/2
टू हो जाएगा, मतलब 270 डिग्री। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। अब देखिए कॉस थीटा वाई एक्सिस पे जीरो होता है, वाई एक्सिस पे कॉस थीटा जीरो होता है, वाई एक्सिस पे साइन थीटा माइनस वन या फिर वन होगा। एट वाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज जीरो। तो यहीं पे तो जीरो दिया गया है ना, तो थीटा है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही होने वाली है। तो वाई एक्सिस का एंगल के रूप में एक इक्वेशन लिख दीजिए, एक ऐसा टर्म लिख दीजिए कि उस पर आप एन का वैल्यू कितना भी रखिए उसका मान वाई एक्सिस पे आएगा। तो मैं आप सभी को बताऊं, इस वाले वाई एक्सिस को, इस वाले वाई एक्सिस को टू एन प्लस वन पाई बाई टू लिख दो, तो इसका वैल्यू या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से, ये आपका है y, ठीक है। तो इस लाइन पे आपको कोई एंगल को लाना है तो आपको 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख देने हैं, ठीक है। इस दोनों पे आएगा, यहाँ भी आ सकता है एंगल, यहाँ भी आ सकता है। इसका मतलब आप n के जगह पे, n के जगह पे 1 रखिए, 0 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए। 0 रखिएगा तो पाई बाई 2, ठीक है। 1 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 2 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 तो यहाँ पे आ गया। एक बार हम लोग चले तो पाई बाई 2 ऊपर, दूसरा बार चलेंगे उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ गया एंगल। और वही अगर हम लोग थर्ड रखेंगे 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 2 यहीं पे आएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार आप राउंड मार लेते हैं तो 4 पाई बाई 2 आप चल दिए, फिर एक बार और पाई बाई 2 गए तो 5 पाई बाई 2 आप चले, तो वाई एक्सिस पे ही आप घूम फिर के आ गए ऊपर वाले में। तो वाई एक्सिस पे तो कॉस ऑलवेज निगेटिव होता है। तो यही है, यही है वाई एक्सिस जो है वो आपका कुछ और नहीं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, ठीक है। और हाँ, एक और फार्मूला होता है, केवल आप इस वाले टर्म पे ही आना चाहते हैं, y एक्सिस में भी केवल इस वाले टर्म पे ही आप आना चाहते हैं पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ, तो उसका भी फार्मूला है 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और आप निगेटिव पे आना चाहते हैं, उसका भी फार्मूला है 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तो ये सब आप पता होना चाहिए। इस एक्स एक्सिस पे आप आना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है 2n पाई। इस पे आप आना चाहते हैं इस वाले पे, तो आपको लिखना पड़ेगा n प्लस 1 पाई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एन प्लस वन पाई अगर हम लोगों ने लिखा तो हम लोग बिल्कुल सही है या गलत है। जैसे 3 पाई रख लेते हैं तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर 4 पाई, ये गलत हो गया। ये सही है, ये वाला आपका गलत है। एन प्लस वन पाई बाई 2 अगर कर दो तो क्या सही है। अब एक रखता हूँ तो 2 पाई बाई 2 एन पाई, यहाँ पे 3 रख दो तो 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई, 1 2 यहाँ पे 0 रख दो तो पाई बाई 2 यहाँ पे, ये भी गलत है। ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये आप रखिएगा तो आप हमेशा इस लाइन पे आएंगे माइनस पाई बाई 2।
टू एन माइनस वन पाई, पाई बाई टू हम जो लिख रहे थे वो गलत हो गया। ये आपके लिए काम का चीज़ है, ये आप याद रख ले तो बहुत अच्छा है। टू एन पाई में एन की जगह पे आप कुछ भी रखिएगा तो आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे टू एन माइनस वन पाई, आप एन की जगह पे कुछ भी रखिएगा आप इस वाले एंगल पे आएंगे, मतलब कि 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री पे आइएगा या फिर 360 डिग्री पे तो नहीं आइएगा, 180 पे आइएगा या फिर 360 और 180 540 पे आइएगा, ठीक है। और इस वाले टर्म का जो एक्सिस है वो आपका हो जाएगा, इस वाले टर्म का एक्सिस हो जाएगा आपका हो गया, मैंने ऊपर लिखा 4n प्लस वन, 4n प्लस वन पाई बाई टू, और इस वाले 270 के आसपास आपको आना है तो 4n माइनस वन पाई बाई टू आपको लिखना होगा। वही एक्स एक्सिस को लिखा जाए तो आपका n पाई लिखा जाएगा, वाई एक्सिस को आपको लिखना है तो ए आपका 2n प्लस वन पाई बाई टू ए लिखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात याद आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, थीटा बराबर 2n प्लस वन पाई बाई टू होना चाहिए। थीटा बराबर देखिए कॉस वाई एक्सिस पे ही जीरो होता है, तो थीटा हमेशा वाई एक्सिस पे होना चाहिए, यानी वाई एक्सिस यानी क्या 2n प्लस वन पाई बाई टू ही होगा तो ही आप वाई एक्सिस पे होंगे। तो थीटा बराबर हमारा ए होना चाहिए, एक्स यहाँ पे थीटा नहीं, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स जो है वो इतना ही एंगल पर लाई करेगा, एन के जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए। तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये आप कहिएगा कि ये क्यों नहीं होगा, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है आप कहिएगा, मैं आपको कहूँ कि एन के जगह पे दो रखो, एन के जगह पे दो रखिएगा तो टू इंटू पाई बाई टू काटिए, पाई आ गया, पाई आ गया। अब पाई कहाँ पे आता है, पाई तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यहाँ पे पाई आता है, तो हम लोग चले आए एक्स एक्सिस पे चले आए और एक्स एक्सिस के निगेटिव की तरफ चले आए, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा माइनस वन होता है, यहाँ कॉस जीरो पे थीटा, कॉस जीरो पे कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में अगर ए दिया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता। वहीं पे कोई कोई बच्चे लोग या तो ए मार के आए हैं या तो ए मार के आए हैं, इस पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछता, यहाँ पे एंगल नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पूछता तो आपका ए हो सकता था। कैसे, अगर आपसे पूछ देता कि कॉस एन पाई पूछ देता, कॉस एन पाई बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ देता, एन पाई का मतलब आपका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस पे ही रहने वाला है, तो आपको तो पता है कि एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा या इस तरफ रहे तो प्लस वन, इस तरफ रहे तो माइनस वन, यानी कि जीरो डिग्री पे रहे तो प्लस वन, 180 डिग्री पे रहे माइनस वन। तो इस वाले का फॉर्मूला हो जाता माइनस वन का पावर एन, ठीक है। यानी कि एन के जगह पे आप एक रखिए तो कॉस पाई का मान माइनस वन होगा, एन की जगह पे दो रखिए कॉस टू पाई का मान पावर दो यानी कि माइनस वन बदल के क्या आ गया प्लस वन, एन का मान थ्री रखिए तो
ऑड पावर तो माइनस वन, कॉस का पावर फोर रखिए, इवन पावर माइनस वन। आप इसका वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो गया। इसका आंसर जो था इस क्वेश्चन का नॉन ऑफ दीज, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, देन थीटा जो है वो आपका टू एन प्लस वन पाई बाई टू के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी नॉन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 12 नंबर में, द फोकस ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि फोकस पूछा गया है, फोकस पाराबोला का, और इक्वेशन जो है पाराबोला का वो दिया है वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स, ठीक है। तो इसको आप लोग ड्रॉ करें, एट एक्स ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आपका वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स हो गया। इसका फोकस जो है कुछ यहाँ पे लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा ए एक्स पर, ठीक है। तो पाराबोला, अगर एक्स एक्सिस पे पाराबोला ड्रॉ हो और सेंटर इसका जीरो हो, तो जनरल जनरल या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ओ आई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। अब आप इससे और इसको कंपेयर कीजिए, तो इससे आपको क्या पता चला कि फोर ए बराबर आठ है, फोर ए एक्स किसके जगह पे है, आठ एक्स के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए निकल आया, ए हमारा निकल आया आठ एक्स बटे फोर एक्स बराबर टू। तो इसलिए फोकस जो है वो ए और जीरो पे होगा। जीरो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा जीरो होगा, तो ये जीरो और ए हमारा कितना आया टू, तो फोकस हमारा ए होगा, फोकस जो है वो हमारा ए हो गया। तो फोकस ऑफ पैराबोला ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, टू जीरो, जो कि है डी में नॉन ऑफ दीज। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना कंजुगेट आपसे पूछा गया है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपका 2 माइनस 3 5 माइनस 2। क्वेश्चन है दसवां नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 माइनस 3 बेटा 5 आयोटा माइनस 2, बिल्कुल ये दिया हुआ है। तो इसको आयोटा वाले को एक तरफ जोड़ लीजिए, 5 में से 3 गया तो 2 आयोटा ना, प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, तो ये आपका 2 आयोटा आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा ये आ गया, 0 प्लस 2 आयोटा आ गया, 0 प्लस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया। तो कंजुगेट पूछ रहा है, तो कंजुगेट क्या होता है मैं आप सभी को लिख के बताऊं।
इफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो देन कंजुगेट जो है जेड बार आपका कंजुगेट हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस, प्लस की जगह पे माइनस आयोटा बी हो जाएगा। बस इमेजिनरी पार्ट वाले का माइनस चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है, वही आपका आयोटा हो गया। तो हेयर जेड बराबर जो आपका 0 + 2 आयोटा है, तो इसलिए जेड बार जो है वो आपका 0 - 2 आयोटा हो जाएगा, जो कि 0 लिखे या ना लिखे बतवा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2 आयोटा देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका -2 आयोटा है, तो ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 13वां पे हम लोग चलेगा कैसे, तेरा नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए 2 - 2। हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इस सवाल को तो छोड़ ही दिया, 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बोल रहा था, 9वां नंबर आपका बोल रहा है, एक दे दिया है इक्वेशन 4 + 3 - 2। 4 + 3 - 2 और दिया गया है इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है, ये क्या है जेड का ना, ये आपको बताने हैं व्हाट, ये जेड जो है क्या है, इसको जोड़िए, ये आपका होगा 4 + iota, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ, आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, 4, रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट वो आपका आयोटा में किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, 1 हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1, ठीक है, C1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है 10th नंबर। 10th नंबर पर चलिए, पूछा गया है कि 2 lines आर सेड टू बी पैरेलल इफ स्लोप आर ऑफ बोथ आर, तो हम लोग 9वां 10वां में सवाल बनाए हैं, 2 lines आर पैरेलल कब हो सकता है, व्हेन देयर एक्स एंड वाई कोफिशियंट इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन है x - y + 2 = 0 और एक इक्वेशन है 3x, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, पैरेलल तभी हो सकते हैं जो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमारा इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो और इसमें नहीं,
टू में कुछ भी हो, कांस्टेंट वाले टर्म अलग हो सकता है, वो आपका अलग हो सकता है। अगर कांस्टेंट वाले टर्म भी प्रोपोर्शनल हो जाए तब तो वह लाइन लीनियर लाइन हो जाएगा, लीनियर लाइन या फिर कोलिनियर लाइन, ठीक है। कांस्टेंट वाला टर्म भी मैं आप सभी को लिख देता हूँ पैरेलल के लिए, पैरेलल टू लाइंस कब होगा, जब ए वन बटे ए टू जो है इक्वल होगा बी वन बटे बी टू के। सी वन और सी टू जरूरी रहना जरूरी, मतलब नॉट नेसेसरी। और कोलिनियर होगा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होगा, टू लाइन। तो इसका मतलब है ए वन बी वन बी टू बराबर सी वन सी टू। ये असल में कोई नहीं, एक ही लाइन का दो वाला भाग है, ठीक है। तो ये कोलिनियर का केस हो गया और ये पैरेलल का केस हो गया, ठीक है। वही स्लोप वाले के केस में रहता, स्लोप वाले केस में आपसे पैरेलल पूछता कि तो उसका मतलब क्या हो जाता। स्लोप वाले केस में आपका पैरेलल हो जाता एम वन एम टू इक्वल टू जीरो, जीरो माफ़ कीजिएगा वन के बराबर, ठीक है। और स्लोप वाले, स्लोप है एक लाइन वन का लाइन टू का, तो ये आपका वन होता, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन वन होता, किसके लिए पैरेलल के लिए। और परपेंडिकुलर के लिए स्लोप वाले केस में आपके हो जाते एम वन इंटू एम टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का सवाल है, उस स्ट्रेट लाइन से अगर सवाल पूछता तो ये आपको हिसाब कंसेप्ट याद रख के बनाने पड़ते। यहाँ पे जनरल इक्वेशन से ही पूछ दिया है तो आपके ए वाले राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप आर इक्वल। बिल्कुल स्लोप इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, स्लोप इक्वल हो तो पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, स्लोप अगर इक्वल हो तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होगा, बोला गया है कि स्लोप इक्वल हो तो पैरेलल तो होगा ही होगा, तो इसलिए इक्वल वाला जो 10 का ए है वो भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं यहाँ पे आंसर चेक कर लेता हूँ। 10 का ए बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने बनाया ही बनाया, यहाँ पे बस उसका चेंज कर दिया जाए। ये आपका था 11वां नंबर क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो है वो आपका था, खैर जो भी हो नंबर गड़बड़ाया होगा कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, 12वां नंबर भी हम लोगों ने देख लिया कि नॉन ऑफ दीज राइट आंसर होंगे। तेरहवां नंबर भी हम लोगों ने देख लिया। 14वां नंबर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2-3 दे दिया है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। किसका, तो वाई एक्सिस का। किस पॉइंट से,
तो पॉइंट जो है वो आपका 2 3 दिया हुआ है, मैं गलत ना हूँ तो 2 और 3। तो ये सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल है। आप कहिएगा कि वाई एक्सिस तो 3 है, तो आप कहिएगा कि वाई जो है वो वाई से इसका दूरी 3 हो जाएगा, तो ये गलत है। एक लाइन है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक लाइन है जिस कोई बिंदु है 2.23 बिंदु है, तो इसके वाई एक्सिस से पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए तो आपको पता चलेगा। अब आपको देखना है कि ये जो दूरी है वाई एक्सिस से, असल में जो दूरी बन रहा है वो एक्स एक्सिस नहीं, जो पॉइंट है उसके बीच का दूरी असल में जो 2 यूनिट है, ये आपका 2 जो है वो आपका हो जाएगा। ये जो ये ना 3 यूनिट होगा। फिर से समझिए, इस वाले ग्राफ में आपका 2 कहीं यहाँ पे होगा और 3 कहीं यहाँ पे होगा, 2 3 यहाँ पे होगा। वाई एक्सिस ए है, एक्स एक्सिस ए है। तो अब ये जो दूरी हुआ ये कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट। ये जो दूरी हुआ कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट। ये तो आपको पता है, इससे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट से दूरी, यही वाला ना दूरी हो गया, तो वाई बराबर वाई से दूरी जो है वो आपका 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट। वही आपसे पूछ देता कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का दूरी कितना है, तब ना हम 3 यूनिट आगे आते तो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट निकलता, तो 2 यूनिट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया गया है, बी में आपका 2 यूनिट है। 15 का बी हो गया, 15 का बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 16। यहाँ पे कंजुगेट आपसे पूछ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वो दिया गया है कि जेड जो है वो जेड बार के इक्वल है, तो जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो मैं आप सभी को अभी तो ही बताया हूँ कि यह आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, 14, तो ये आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है, तो देन कंजुगेट कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जेड बार किसके बराबर होगा, ए माइनस आयोटा बीटा का। ये जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का वो चेंज हो जाता है कंजुगेट में, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे चेंज होके कंजुगेट में माइनस आ गया। वहीं पे अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसका कंजुगेट प्लस हो जाता। ठीक है, साइन को चेंज कर देना है कंजुगेट में। ओके, अब देखिए पूछा गया है कि बोला गया है कि गिवन जेड जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू जेड बार है, तो यह तभी संभव है जब 0 लिखिए या फिर -0 लिखिए, यही दोनों तो सेम है। बाकी आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो क्या 1 और -1 बराबर है, नहीं है। क्या 2 आयोटा बराबर है -2 आयोटा का, बिल्कुल नहीं है। तो केवल यही टर्म है, हो सकता है a प्लस 0 आयोटा ही इक्वल्स टू हो सकता है, ये आपका वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी होगा, a प्लस 0 माइनस आयोटा। इसी वाले केस में z जो है वो z बार के इक्वल हो सकता है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट पार्ट मल्टीप्लाई
विथ जीरो, देन जेड बराबर जेड बार पॉसिबल। समझ गए? तो ये आपका 15 का 0 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ भी लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी बेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। तो ए आपका हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×
कितने तरीके से? आठ खिलौनों को अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। पांच बच्चों में आठ अलग अलग खिलौनों को कितने तरीके से बांटा जा सकता है? तो आपके 5 का पावर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट इतना इतना, 3 2 -1 5, 3 2 -1 5, ये आपका 17वां नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन दे दिया गया है, स्लोप बताना है। स्लोप पॉइंट कितना दिया है? तो पॉइंट आपका है 5 2 3 2 -1 5 और एक है 1 स्लोप। स्लोप जो होता है वो एम होता है, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वो भी स्लोप ही हुआ। एक और स्लोप का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स टू नहीं, स्लोप का फॉर्मूला हो गया वाई अपॉन एक्स, या फिर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे स्लोप आपका हो जाएगा y2 - y1 बट्टा में x1 / x2, x2 - x1। ये जो 2 है वो नीचे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसे आप स्क्वायर न समझ ले। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें डाल दीजिए y2, इसको ले लीजिए, तो क्या हो गया 5 - 2 - 1 - 3, ये आपका स्लोप हो गया 3 - 4। स्लोप एम जो है वो -3/4। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 19वां नंबर पर। 19वां नंबर क्या बोला है? यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा दिया गया है।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, यही ना है। इसको मैं साफ साफ से लिख दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है, बिल्कुल सही। अब आपसे पूछा गया है ए और बी बराबर व्हाट, हाँ या ना। तो इससे पार्शियल फ्रैक्शन आपको आने चाहिए, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा देता हूँ। आपको क्या करने हैं, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ए जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होता है, बिल्कुल होता है। अब ए जो है डिवाइड कीजिए बोथ साइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू से, ठीक है। तो ए आपका क्या होगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट के वन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वन आ गया। नीचे आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका प्लस वाला कट जाएगा, और ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाके आ जाएगा माइनस वाला एक्स माइनस टू, और बी में माइनस वाला कट जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस वाला एक्स प्लस टू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप एक तरफ लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स बी प्लस टू बी बराबर वन है। अब एक एक्स और बी, एक्स को एक तरफ हम लोग ले लिए, इसको इसको और कॉमन ले लिए एक्स, ठीक है, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो टू बी माइनस टू ए और बराबर में वन है। तो वन तो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है वो तभी पॉसिबल है, संभव है, इसका मान और इसका मान एक तभी होगा। यहाँ पे जीरो एक्स हम लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स वाला जो टर्म है वो ए प्लस बी, एक्स के सामने जो कोफिशियंट है वो ए प्लस बी के इक्वेस्ट होगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है वो वन के इक्वल होगा, टू बी माइनस टू ए बराबर वन। ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है, मतलब ये जो वैल्यू है उसका मान ए तभी होगा जब ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाले पावर एक्स वाले का कोफिशियंट के बराबर में जीरो रखना पड़ेगा, और कांस्टेंट वाले कोफिशियंट एलएचएस वाले में राइट हैंड साइड में जो है कांस्टेंट वन उसके बराबर होगा, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या आया, ए बराबर माइनस बी आ गया, आ गया बिल्कुल। यहाँ पे ए की जगह पे माइनस बी रख दीजिए, या फिर बी के जगह पे ही माइनस ए रख दीजिए, बी बराबर ही माइनस ए रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बराबर वन, तो माइनस फोर ए बराबर वन, तो ए बराबर जो है वो आपका माइनस वन बाई फोर आ गया। ए बराबर माइनस वन बाई फोर
तो बी बराबर आपका 1/4 आ जाएगा, हाँ कि ना, बी बराबर 1/4। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ए बराबर -1/4 और बी बराबर +1/4, ऑप्शन नंबर आपके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको निकालने आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एन, और क्या है कितने टाइम्स, तो आर टाइम, तो एन सी आर, इसका राइट आंसर एन सी आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। 20 नंबर बोला गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एन था और कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा आपका एन सी आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था बीसो ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी ये सभी देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे ऐप से ऐप पे मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आपको मतलब एक कोर्स परचेस करना पड़ेगा, उस कोर्स में आपको सारा बुक्स, सारा क्वेश्चन बैंक और हर एक क्वेश्चन पेपर हर एक ईयर्स का सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है, और दोनों सेमेस्टरों का मिलेगा मात्र 100 रुपये में। ठीक है, तो एक कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे, सारा बुक्स ही आपका 3-4 हज़ार रुपये का आता है, तो इसलिए आप कोर्स को 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।